नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान सभा का संक्षिप्त इतिहास आपको लोकगीत के माध्यम से बताने चल रहे हैं। चलिए गाते हैं और भारतीय संविधान का संक्षिप्त इतिहास भी हम पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों मेरे साथ बोलिएगा, सभा बैठी दिसंबर 46 में, सभा बैठी, सभा बैठी दिसंबर 46 में, सभा बैठी, सभा बैठी दिसंबर 46 में, सभा बैठी, सभा बैठी दिसंबर 46 में, सभा बैठी। नवा स्थायी सचिदानंद आए, प्रारूप समिति सभा बैठी, अध्यक्ष बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। फिर 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन बनकर तैयार हुई। उसके बाद 26 नवंबर 1950 को लागू कर दिया गया, क्योंकि पूरा संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन संविधान के कुछ अंश 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया, जिसमें कि निर्वाचन संबंधी कार्य थे, नागरिकता संबंधी और संक्रमण कालीन व्यवस्था थी, अंतरिम सरकार कैसे बनेगी, इस ये सब शासन की व्यवस्थाएं 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। सारा संविधान बनने के बाद आई कि इसको लिखेगा कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रेम बिहारी रायजादा को लिखने का कार्य सौंपा, जिनकी कैलीग्राफी बहुत अच्छी थी, लिखने के कार्य को कैलीग्राफी कहते हैं, प्रेम बिहारी रायजादा ने किया। और चित्रकारी सबसे अच्छा नंदलाल बोस कर सकते थे, इसलिए नंदलाल बोस ने उसमें चित्रकारी किया। चित्रकारी करते समय भारतीय संस्कृति के चित्र याद रखोगे, भारतीय संस्कृति के चित्र राम और सीता की
तस्वीर, श्री कृष्ण जी की तस्वीर, नटराज की जो डमरू बजाते हुए नटराज की मूर्ति, बुद्ध की प्रतिमाएं, इस प्रकार हमारे जो भारतीय संस्कृति के चित्र थे उसको संविधान सभा के इस पन्नों में उकेरा गया। उसके बाद तब संविधान को भारत देश के लिए 284 लोगों ने मिलकर के हस्ताक्षर किया और संविधान पूरा हमारा लागू किया गया। अगर यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो नीचे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और कोई सुझाव हो तो जरूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।